उर्वरक हाथ में लुट चुके अन्नदाताओं पर प्रकृति की दोहरी मार। तेज बारिश और ओलावृष्टि से 100% फसल हुई नष्ट। किसानों की परेशानी जानने गांव गांव तक पहुंचे भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव। उचित मूल्यांकन करवा कर नुकसान की भरपाई करवाने का किया वादा। खड़िया थाना क्षेत्र में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश और कल रात हुई ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र के करीब 50 गांव के खेतों में तैयार हो चुकी फसल 100% नष्ट हो गई। किसानों के हुए नुकसान और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र को देखने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव ने करीब 20 से 25 गांव में तुरंत पहुंचकर किसानों के नुकसान की जानकारी ली और तुरंत ही पिछौर SDM JP गुप्ता और खनिया थाना तहसीलदार सुधाकर तिवारी को फोन पर जानकारी देकर ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे कराने का अनुरोध किया। SDM पिछौर ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हल्का पटवारी के साथ एक टीम बनाकर हर गांव में भेजकर किसानों के हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। शासन के द्वारा किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रहलाद सिंह यादव ने बताया कि उनके द्वारा अपने आला नेतृत्व को किसानों की समस्याओं को अवगत कराया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। जो प्रावधान है उसके अनुसार जो भी राहत राशि है सभी किसानों को दी जाएगी। अभी हमने सर्वे दल गठित कर दिए हैं। पटवारी, RIO और पंचायत सचिव, ये सभी गांव-गांव जाएंगे, हर सर्वे नंबर पर सर्वे करेंगे और जहां जिनको जो नुकसान हुआ उसका RBC चचार के प्रावधानों के मुताबिक राहत राशि इनके खाते में भेजी जाएगी। अभी सर जो आपने सर्वे की है, देखा है जी स्पॉट पे खेतों पे, तो आपको ऐसा कितना नुकसान लग रहा है? अभी कुछ खेतों में तो 100% ही लग रहा है जो मैंने देखा है। तो एक एक खेत पे एक एक सर्वे नंबर पे सर्वे करेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पर कितना कितना नुकसान है। कुछ खेतों में तो 100% है, जिस खेत में हम खड़े हुए इसमें 100% नुकसान है। कोयलन के मैक्सिमम खेतों में 100% नुकसान दिख रहा है हमें, और लेकिन जो सर्वे डोर टू डोर करेंगे, एक एक खेत खेत पर जाके करेंगे, उसके बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। पुरोहित जी, आप लोगों के साथ संयुक्त दौरा किया और कोयलन, बदनपुर, दबिया जगन, कुम्हर्रा सभी गांव, कम से कम 10-15 गांव का हमने दौरा किया है। 101% किसानों का नुकसान हुआ। अभी SDM साहब से चर्चा हुई, उनसे निवेदन किया कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, तो उन्हें भी आश्वासन दिया कि हम टीम गठित करके प्रत्येक मेड़ पर सर्वे करेंगे, इसके बाद प्रकाशन होगा जिससे किसान संतुष्ट हों उस सर्वे से, और हम इस रिपोर्ट को अपने केंद्रीय नेतृत्व श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, सभी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले जिससे हमारा किसान दुखी न रह सके, ऐसी हमारी कोशिश होगी। जितने भी ग्राम प्रभावित हुए हैं ओलावृष्टि से उसका हम दौरा कर रहे हैं।